व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो गाइस, हमारा एक फेसबुक चैनल भी है जिसका नाम है बीडी न्यूज, जिसको आप सर्च कर सकते हैं @BDNewsIndia करके, या फिर आप सर्च कर सकते हैं #BDNewsIndia #BDNewsIndia सर्च करेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेसबुक चैनल पर, फेसबुक पेज पर मैं आपको कोई भी फिल्म आपको अगर चाहिए हो, कोई भी फिल्म आपको डाउनलोड करनी हो, तो मैं आपको डायरेक्ट मैसेज करके दे देता हूँ, तो आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। तो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा वरुण धवन की अपकमिंग मूवीज के बारे में, अब कौन सी फिल्म उनकी आने वाली है और फिल्म का नाम क्या है और किस तारीख को यानी कब आने वाली है वो फिल्म। अगर आप वरुण धवन के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट करके बताइए कि वरुण धवन की आपको कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। वरुण धवन ने बहुत अलग अलग तरह की फिल्में की हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में की थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, फिर मैं तेरा हीरो, फिर हम्पी शर्मा की दुल्हनिया और बदलापुर, ABCD2, दिलवाले, धिशुम और बहुत सी उनकी फिल्में आई थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर आधे से ज़्यादा सारी फिल्में ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया है। कुछ फिल्में छोड़ दें जो कि है अक्टूबर, लेकिन इसको भी लोगों ने अच्छा पसंद किया था और इस फिल्म को एवरेज करार दिया गया था। तो वरुण धवन की अभी तक उनके करियर में एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है। अभी रिसेंट सुई धागा आई थी, वो भी फिल्म हिट हुई थी। उनकी एक भी फिल्म अभी तक सुपर फ्लॉप या फ्लॉप नहीं हुई है और उनकी अभी तक की सबसे करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म है जुड़वा 2 और उसके बाद आती है बद्रीनाथ की दुल्हनिया। आपको बता दूं, उन्होंने 2-3 रोमांटिक फिल्म भी की है जिनमें से एक है बद्रीनाथ की दुल्हनिया और हम्पी शर्मा की दुल्हनिया। तो ये दोनों फिल्में उनकी रोमांटिक आती है और बाकी कॉमेडी की बात की जाए तो उन्होंने जुड़वा 2 की है, मैं तेरा हीरो की है। अब हम बात करते हैं उनकी अपकमिंग मूवीज के बारे में। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो वरुण धवन की 2019 में आने वाली है फिल्म कलंक। जी हाँ गाइस, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अभिषेक बर्मन। इस फिल्म में हम लीड रोल में देखेंगे वरुण धवन, आलिया भट्ट, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, आदित्य रॉय कपूर, सोनाक्षी सिन्हा। ये एक एपिक ड्रामा फिल्म है जो कि एक बहुत एक्शन से भरपूर है। इस फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस करेंगे और ये फिल्म को करण जौहर पिछले 15 साल से बनाना चाहते थे, तो अब जाके ये फिल्म बन रही है और वरुण धवन इस फिल्म में लीड। आपको मैं बता दूं कि करण जौहर की ये फिल्म उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो 15 साल पहले से इसको बनाना चाहते थे लेकिन वो एक अच्छे डायरेक्टर की तलाश में थे, इसलिए वो इस फिल्म में टाइम लगा और वो अच्छी स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म को बनाना चाहते थे। ये एक मल्टी स्टार फिल्म है जिसमें हमें संजय दत्त और माधुरी दीक्षित बहुत सालों के बाद एक साथ नजर आएंगे। वहीं वरुण धवन ने खुशी जताते हुए कहा है कि वो इस फिल्म में काम करना चाहते थे और वो करण जौहर के ड्रीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और फिर से साजिद नाडियावाल के साथ काम कर रहे हैं, तो इस फिल्म से वो बहुत खुश हैं। ये फिल्म आपको बता दूं कि 19 अप्रैल को 2019 में रिलीज होगी। इस फिल्म के लिए अभी 4 महीने कम से कम बचे हैं और इस फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। आलिया भट्ट ने अपनी शूटिंग पूरी कर ली है। इस फिल्म का बजट 50 करोड़ है। ये फिल्म आराम से बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचा सकती है क्योंकि इस फिल्म का बजट थोड़ा कम है, लेकिन इस फिल्म की कमाई बहुत अच्छी होगी। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अभिषेक बर्मन और इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे धर्मा प्रोडक्शन यानी कि करण जौहर। ये फिल्म 19 अप्रैल 2019 में रिलीज होगी। कलंक के बाद आएगी फिल्म रणभूमि। जी हाँ गाइस, रणभूमि की बात करते हैं। ये 2020 में फिल्म आने वाली है लेकिन इस फिल्म का अनाउंसमेंट पहले से ही कर दिया गया है। आफ्टर हम्पी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, सुपरहिट डायरेक्टर करण जौहर और सुपरहिट डायरेक्टर शशांक केतन दोनों फिर से साथ आ गए हैं लीड एक्टर वरुण धवन के साथ। दोनों ने रणभूमि के लिए हाथ जोड़ लिए हैं और दोनों ने ये फिल्म को अनाउंस कर दिया है कि ये दिवाली पर 2020 में रिलीज होगी। इस फिल्म में हमें लीड रोल में देखेंगे वरुण धवन और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे शशांक केतन, वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे करण जौहर। आपको बता दूं, करण जौहर बहुत ही कम फिल्म डायरेक्ट करते हैं, उन्होंने ज़्यादातर फिल्में जो डायरेक्ट की हैं वो शाहरुख खान के साथ काम करके हुए की हैं। ऐसे तो वो
ज़्यादातर फिल्में प्रोड्यूस करते हैं और वो प्रोड्यूसर वो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोड्यूसर हैं। उनने बाहुबली फिल्म और बाहुबली वन और टू दोनों ही प्रोड्यूस की थी और अभी हाल ही में अक्षय कुमार की जो फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था 2.0 उस फिल्म को भी प्रोड्यूस किया था। तो करण जौहर प्रोड्यूसर बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं और उनकी फिल्में लगभग बॉक्स ऑफिस पर हिट होती ही हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म अभी तक इस फिल्म का बजट नहीं पता चला है। ये फिल्म 2020 में आएगी दिवाली में। इस फिल्म के बाद आती है रेमो डिसूजा की बिगेस्ट डांस फिल्म। रेमो डिसूजा एक डांस फिल्म बना रहे जो कि बहुत ही बड़ी डांस फिल्म है। इसमें वरुण धवन और कटरीना कैफ हमें साथ में देखेंगे। रेस 3 के फ्लॉप होने की वजह से ये फिल्म थोड़ी सी लटक गई थी लेकिन ये फिल्म अब फिर से आ रही है। इस फिल्म को भूषण कुमार और रेमो डिसूजा भूषण कुमार इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे और रेमो डिसूजा इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म में हमें प्रभु देवा भी लीड रोल में देखेंगे और राघव जुलाल रमेश और ये पूरी ABCD की पूरी फिल्म की टीम होगी और हम बोल सकते हैं कि ये ABCD3 है लेकिन इस फिल्म का हम ABCD3 नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। इस फिल्म में हमें लीड रोल में दिखेंगे वरुण धवन और कटरीना कैफ। ये फिल्म रिलीज होगी 2019 में 8 नवंबर को 2019 में रिलीज होगी। ये फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे टी सीरीज वाले यानी कि भूषण कुमार। ये एक डांस ड्रामा रेमो डिसूजा की डांस फिल्म के बाद आई गई वरुण धवन की फिल्म BV No. 1 रीमेक। आफ्टर सक्सेसफुल जुड़वा 2 की सक्सेस के बाद वरुण धवन ने ठान लिया है कि वो सलमान खान और गोविंदा की हर फिल्म का रीमेक बनाएंगे, मतलब सेम टू सेम कॉपी बनाने वाले हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे उनके पिता यानी कि डेविड धवन। जुड़वा 2 बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई लेकिन इसे नेगेटिव रिव्यू मिले। लोगों ने इस फिल्म के गाने और वरुण धवन का डांस तो पसंद किया लेकिन उनको इनकी कॉमेडी इतनी पसंद नहीं आई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा प्रदर्शन किया क्योंकि फिल्म का भजन मतलब बजट और फिल्म का जो बज था लोगों के बीच में वो बहुत हाई हो चुका था। फिल्म के गाने बहुत बड़े हिट थे और लोगों ने बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ सिनेमा में गए और फिल्म को देखा। अब बात करते हैं हम इस फिल्म के रिव्यू की, तो इस फिल्म के रिव्यू ज़्यादातर नेगेटिव थे। वरुण धवन की पब्लिसिटी थोड़ी सी कम हुई थी लेकिन फिल्म के हिट होने के बाद वरुण धवन साथ में आसमान में पहुंच गए थे। अब मैं बता दूं कि BV No. 1 सलमान खान और करिश्मा कपूर स्टार फिल्म है जो कि 1999 में रिलीज़ हुई थी और ये बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की। अब इस फिल्म का रीमेक बनने वाला, यानी रीमेक मतलब होता है कि किसी चीज़ को फिर से बनाना, तो ये फिल्म फिर से बनेगी जिसमें हमें लीड रोल में दिखेंगे वरुण धवन और शायद से इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा एज अ लीड एक्ट्रेस हमें मिल सकती हैं। अभी ये फिल्म फाइनलाइज नहीं हुई है लेकिन ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसे डेविड धवन ही डायरेक्ट करेंगे और वही इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। इस फिल्म के बाद आती है फिल्म 5। जी हाँ गाइस, आर्ट डायरेक्टर उमंग कुमार को तो आप जानते होंगे, इनने हमें बनाई है मैरी कॉम और फिल्म सरबजीत और अभी एक संजय दत्त के साथ फिल्म बनाई थी, वो बॉक्स ऑफिस पे बहुत बुरी फ्लॉप थी। इनकी दो फिल्म बात करें तो इनकी बेस्ट फिल्म है मैरी कॉम और सरबजीत। ये एक अब ये वरुण धवन के साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं। ये एक फिजियोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम रखा गया है 5। ये फिल्म में वरुण धवन हमें लीड रोल में देखेंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे उमंग कुमार और इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे टी सीरीज के भूषण कुमार। ये फिल्म एक थ्रिलर फिल्म है जो कि जनवरी 2020 में रिलीज हो सकती है। और इस फिल्म के बाद आती है, जी हाँ गाइस, फिल्म सुद्धि। इस फिल्म में पहले ऋतिक रोशन काम करने वाले थे, उसके बाद इस नाम आया कि इस फिल्म में सलमान खान हमें लीड रोल में देखेंगे कटरीना कैफ के साथ, लेकिन करण जौहर ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि इस फिल्म में हमें दिखने वाले हैं वरुण धवन और आलिया भट्ट। ये सुपरहिट जोड़ी फिर से साथ दिखेगी हमें सुद्धि में। सुद्धि इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे करण मल्होत्रा और इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे करण जौहर। फिल्म मेकर ने इसकी स्टार कास्ट सर्च कर रहे हैं कि आलिया भट्ट और वरुण धवन पहले ही कंफर्म हो चुके हैं, बाकी की स्टार कास्ट के लिए ये प्री प्रोडक्शन पे काम चल रहा है। ये फिल्म अभी फाइनलाइज नहीं हुई है लेकिन ये फिल्म 2020 तक रिलीज होने की बात हो रही है। ये एक ड्रामेटिक फिल्म है जिसमें हमें वरुण धवन और आलिया भट्ट और करण मल्होत्रा डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे करण जौहर। ये एक सुद्धि फिल्म है। तो ये थी हमारी लिस्ट वरुण धवन की 2019 में और 20 में कौन सी फिल्में आने वाली हैं उसकी ये लिस्ट थी।
आप हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे फेसबुक पेज के बारे में। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने अभी अभी फेसबुक पर बहुत सारी मूवीज अपडेट की हैं। अभी मैंने सुई धागा को अपलोड कर दिया है, ये फुल HD है, आप इसको डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने इस फिल्म को। और उसके बाद मैंने अपलोड किया है फिल्म लवरात्रि को, ये आयुष शर्मा की है जो कि सलमान खान के बहन के पति हैं, और ये फिल्म भी 2018 में आई थी, ये भी मैंने फुल HD में रिलीज़ कर दी है, तो आप इस फिल्म को जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने फिल्म स्त्री यानी कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार ऑफ फिल्म स्त्री को भी मैंने फेसबुक पर पेज पर अपलोड कर दिया है। इसके बाद मैंने ठग ऑफ हिंदुस्तान आमिर खान और अमिताभ बच्चन की स्टार ऑफ फिल्म, इसको भी मैंने अपलोड कर दिया है। इसके बाद आती है बहुत सारी फिल्म, मैंने न्यूज़ वीडियोस भी अपलोड किए हैं और मैंने आपको बताया इसमें कलेक्शंस की रिपोर्ट दी है मैंने अपने 2.0 की। बॉक्स ऑफिस पे इसने वर्ल्ड वाइड 615 करोड़ क्रॉस कर लिए थे खाली 14 दिन में, उसकी अपडेट दी है मैंने। बाजार फिल्म डाल दी है सैफ अली खान की, और मैंने अभी आपको पता है मैंने 2.0 तो पहले ही डाल दी है, अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 और रजनीकांत की फिल्म रोबोट 2 मैंने अपलोड कर दी है, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने भारत आने नेनू यानी कि भारत द ग्रेट लीडर महेश बाबू की फिल्म भी मैंने डाल दी है, ये फिल्म बहुत ही अच्छी है। इस फिल्म में वो CM का किरदार निभाते हैं जो कि एक तेलंगाना का है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। वो अपने पिता की हत्या के बाद वो वहाँ के CM बनते हैं एक स्टेट के, और फिल्म कैसे अपने स्टेट को संभालते हैं उसके बारे में ये फिल्म है, अच्छी फिल्म है, आपको देखना चाहिए। इसके बाद मैंने अपलोड कर दी है फिल्म Race 3 सलमान खान स्टार Race 3। फिर मैंने मिर्जापुर पूरी सीरीज़ डाल दी है, आप इस फिल्म को जाके देख सकते हैं। ये मिर्जापुर एक सीरीज़ है जो कि प्राइम ओरिजिनल पे अपलोड हुई थी, अब इसके बहुत सारे एपिसोड हैं, आप जाके इसको एक एक एपिसोड करके देख सकते हैं। इसके बाद मैंने अपलोड की थी गोविंदा की फिल्म फ्राइडे, उसके बाद आयुष्मान खुराना की अनाधुन, फिर अपलोड की थी मैंने बधाई हो, आयुष्मान खुराना की फिल्म बधाई हो जो कि इस फिल्म की बहुत बहुत बड़ी सक्सेसफुल फिल्म है इस साल की। उसके बाद मैंने अपलोड की थी अपनी 2.0, आपको मैंने बता चुका हूँ, इसको मैंने बहुत बार इसको मैंने पिन भी कर दिया है कि आपको सबसे ऊपर दिखे क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड अभी 2.0 की चल रही है, लोग 2.0 को देखना चाहते हैं। इसके बाद मैंने भैया जी सुपरहिट को भी डाल दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप और कोई फिल्म की रिक्वायरमेंट है आपको, तो आपको करना क्या है, आपको सर्च करना है @BDNewsIndia, ये हमारे पेज का यूज़र नेम है, आपको ये सबसे ऊपर मिल जाएगा। और इसके बाद भी आपको नहीं मिलता है तो आपको सर्च करना है #BDNewsIndia, इतना बस करेंगे तो आ जाएगा, या फिर आपको अभी भी नहीं मिलता है तो आप मुझे, मैं आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ से डायरेक्ट मूवी मुझे, या सबसे पहले मेरा पेज लाइक करिएगा, उसके बाद मुझे मैसेज करिएगा कि आपको कौन सी फिल्म चाहिए है, या फिर आपको इन्हीं में से कोई फिल्म चाहिए तो आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाके कोई भी मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। अब अभी भी आपको कोई फिल्म चाहिए है तो मुझे नीचे अभी YouTube पर ही कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हैं, मैं ज़्यादा बहुत सारे कमेंट्स आएंगे उस मूवी के बारे में तो मैं मूवी को अपलोड कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। और वैसे भी आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो, मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको कोई भी फिल्म की रिक्वायरमेंट हो आप डायरेक्ट मुझे फेसबुक पर मैसेज कीजिए, मैं आपको वो फिल्म प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।